आदिवासी के मुद्दे पर लाइव डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर ने बहस करते हुए पूर्वाग्रह दुर्भावना पूर्वक कहा है कि सर्व आदिवासी समाज के लोग ईसाई मिशनरी व दलाली करता है। इस गलत बयानबाजी के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मिलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि क्या भाजपा इसका समर्थन करती है, क्या भाजपा आदिवासी समाज को इन्हीं नजरिए से देखती है। गौरीशंकर ने सर्व आदिवासी समाज से यह बयान दिया है। इसके पूर्व भी एक प्रदेश की भाजपा नेत्री विश्वेदनी पांडे के द्वारा भी आदिवासी महिलाओं पर अभद्र अश्लील सूचक गाली युक्त के अभद्र भाषा के साथ टिप्पणी की गई थी, जिसे भाजपा के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा वही पुरस्कृत कर पार्टी में पदाधिकारी बनाकर पार्टी से अधिकृत पार्षद बनाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी की जाति धर्म को लेकर गलत बयानबाजी करता है तो वह गलत है। यदि यह सही है तो मैं इस पर जरूर संज्ञान लूंगा। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि यह दोषी पर कार्यवाही नहीं होती है तो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रदेश भर में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संसद कार्यालय इसलिए हम लोग पहुँचे हैं कि अभी बीच में 26 तारीख को एक डिबेट वाला कार्यक्रम चला था। उस डिबेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते जी भी उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी उपस्थित थे। उसी दौरान में गौरीशंकर श्रीवास जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है और भारतीय जनता का पार्टी प्रवक्ता है, वो हमारे सर्व आदिवासी समाज को ईसाई मिशनरों का दलाली करता है कहा है। लेकिन बात यह है इसमें कि सर्व आदिवासी समाज किसी का दलाल नहीं करता, अपने में सक्षम है। एक हमारी जो व्यवस्था है, हमारी देवस्था अलग है, हमारी पुजारी व्यवस्था है, हम अपने कार्यक्रम करने के लिए या कुछ करने के लिए सक्षम है। और ये जो गौरीशंकर श्रीवास जो सर्व आदिवासी समाज को दलाली करता है, ये गलत बात है। किसी समाज को या सर्व आदिवासी समाज को इस टाइप का कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और इसका पूरी समाज सर्व आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। सांसद के द्वारा आश्वासन ये बोले गए हैं कि हम उनकी बात करते हैं और आपको पूरा आश्वासन, हम 15 दिन का मोहलत दिए हैं। यदि 15 दिन के अंदर यदि सांसद महोदय के द्वारा यदि हमको कहीं न्याय नहीं मिला तो हम आरी उग्र आंदोलन चलेगा इसमें। आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के, उनके पास उनके जो अधिकृत प्रवक्ता है गौरीशंकर श्रीवास, उसके द्वारा समाज के सर्वाधिक समाज छत्तीसगढ़ के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया गया है। उस अभद्र टिप्पणी की जानकारी लेने हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जिसे जानकारी लेने आए हैं और अवगत कराने आए हैं कि आप क्या ऐसे अपने अधिकृत प्रवक्ता के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात उनके जो टिप्पणी की उसका समर्थन करती है क्या, इसी जानकारी लेने के लिए और उनको अल्टीमेटम दे दूँगी प्रदेश अध्यक्ष महोदय को। आपको क्या आश्वासन? सांसद महोदय के पास हम नहीं आए थे, हम प्रदेश अध्यक्ष महोदय के पास आए हैं। भारतीय जनता वो बोले कि इस पर संज्ञान ले चुका हूँ और ले रहा हूँ, तत्काल ये दिन के कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं तो आगे क्या कदम होगा? उनको हमने बताया कि हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 10 दिन के दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती पूरा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सर्व समाज रोड पर उतरेगी और पूरा प्रवक्ता और जो पार्टी के नेताओं हैं उनका पूरा दहन करेगी। ने मिलकर ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। निश्चित रूप से उनके आवेदन पर संज्ञान लेकर पार्टी आवश्यक कार्यवाही करेगी। यह भी स्पष्ट है कि किसी को भी किसी समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी नहीं करना चाहिए, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। पर इन्होंने ज्ञापन दिया है, निश्चित रूप से इनके ज्ञापन पर विचार करके पार्टी आवश्यक कार्यवाही करेगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।